हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक हम कर रहे थे, करंट अफेयर्स 2018 के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम करंट अफेयर्स 2019 के जनवरी माह के करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। तो इस्टे ये हम महीने महीने वाइज करेंगे और ये आज हम जनवरी के कम्प्लीट कर रहे हैं। जिन लोगों को PDF चाहिए, PDF अवेलेबल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट PDF ले सकते हैं। और इसमें देखिए आपके करंट अफेयर्स के PDF अवेलेबल हैं। साइंस का PDF मत लीजिएगा, एरर्स बहुत सारे आ रहे हैं। मैथ के PDF आप बेस्ट हैं, ले सकते हैं। साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला PDF है उसको भी आप ले सकते हैं। तीनों PDF ले लीजिए, बहुत अच्छा है, मैंने खुद चेक किया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जनवरी माह के करंट अफेयर्स की बात करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हो तो रेलवे टेस्ट ऑनलाइन ज्वाइन कर लो अभी भी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको परीक्षा ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर वेबसाइट पे जाके ग्रुप डी और NTPC के प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है, आपको सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप डबाई करते समय एग्जाम GTT40 प्रोमो कोड लगाएंगे, आपको 40% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हम जनवरी माह के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले थे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। तो स्मृति मंधाना, याद रखिएगा, ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार में कितने द्वीपों का नाम बदला, 3 द्वीपों का नाम बदला। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश के तीसरी प्रधानमंत्री कौन बनी, तो यहाँ पे शेख हसीना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। यहाँ पे ध्यान रखिए, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी है। भारत में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रोबोट उस्ताद किसने विकसित किया, भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने, VK यादव। नेक्स्ट, हाल ही में TV राधाकृष्णन किस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, तेलंगाना के। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार बैंक धोखाधड़ी मामले में कितना गुना वृद्धि हुई है, 4 गुना। और ये जनवरी के करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जनवरी 2019 के। नेक्स्ट, हाल ही में 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने, जसप्रीत बुमराह। हाल ही में सरकार ने कितने राज्यों में 100% घरों में विद्युतीकरण पूरा करने की घोषणा की, 25। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हुआ, वे किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे, सचिन तेंदुलकर के कोच कौन थे, रमाकांत आचरेकर, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वीर सावरकर हवाई अड्डे को प्रवासान चेक पोस्ट घोषित किया गया, तो ये कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी, हरियाणा ने। नेक्स्ट, हाल ही में 73 वर्षीय जीन ल्यूक ने राउंड द वर्ल्ड नौका दौड़ जीती, वे किस देश के थे, फ्रांस के। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर किए, तो सिंडिकेट बैंक के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में ARIA कानून पर किस देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और ये ब्रेल लिपि होती है एक, ठीक है, तो इसको बनाया था यहाँ पे लुइस ब्रेल ने, तो इस कारण से यहाँ पे 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला एम्पटी कौन बनी, अरुणिमा सिन्हा, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहनने वाली। अरुणिमा सिन्हा की जीवनी, अगर जो इनसे कुछ सीखना हो, इनके आप अपने लाइफ में कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो इनकी लाइफ स्टोरी को जरूर पढ़ो, मोटिवेशन मिलेगा। इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था पटरियों पे, रात भर ये तड़पती रही, इनको पता नहीं था कि इनके पैर नहीं है, इनको पता नहीं था इनके पैर कट चुके थे पूरी तरीके से, चूहे रात भर कूदते रहे, काटते रहे, लेकिन रात भर अपने ज़िंदगी से जंग लड़ती रहीं। सुबह हुआ, लोगों ने देखा, लोग इनको हॉस्पिटल ले गए, आज इन्होंने अपने आप को खुद को साबित किया। अगर जो ये कह के बैठ जाते कि हम तो विकलांग हो चुके हैं, हमारे पैर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं, हमें कुछ करना है, हमें नाम करना है। इन्होंने पर्वतों की चढ़ाई करना शुरू किया, यहाँ तक कि एवरेस्ट पर भी ये चढ़ चुकी हैं, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा विकलांग है, और यहाँ पे विकलांग नहीं कह सकते हम, गलत अगर जो हम बोले तो ये गलत वर्ड होगा उनके लिए, ठीक है, आज वो बहुत आगे हैं। नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला एम्पटी बनी अरुणिमा सिन्हा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मदर ऑफ लॉन्ग बॉम्ब्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का परीक्षण चीन ने किया। हाल ही में 27वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में।
नेक्स्ट बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई? कटक में। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाहक बॉम्ब को यहाँ पे चुना गया वीरता पुरस्कार लिए। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस देश में अब तक सबसे बड़े AFC एशिया कप की शुरुआत हुई? UAE। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 2020 तक भारत को S-400 मिसाइल देने की घोषणा की? रूस ने की है, S-400 मिसाइल। नेक्स्ट, हाल ही में द्विज सरल और टाटा ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? रोहन बोपन्ना ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 4500 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की? ओडिशा। देखिए, PDF ले लेंगे तो आपका अभी भी काम करेगा और एग्जाम के समय आप रिवीजन बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, अगर जो आप किसी अच्छे चीज़ के लिए पैसे खर्च करें, पैसे तो अच्छी बात है लेकिन किसी अच्छे चीज़ के लिए खरीदना और मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल रहा है, 40 रुपये में आपको करंट अफेयर्स के PDF मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूरा 2018 का हो जाए और आपका 2019 का इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, यहाँ तक का आपका PDF मिलेगा। तो ये कहीं पे कोई बुराई नहीं है इसको खर्च करने में। आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन कहाँ शुरू हुई? वडोदरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसने कुंभ मेला के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो NCR ने। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में नौसेना ने कहाँ नया एयरबेस स्थापित करने की घोषणा की? पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? इंदौर में। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? पुणे में। नेक्स्ट, हाल ही में ICC का 105वां सदस्य कौन बना? USA क्रिकेट। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओरा कल्लू। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा? भारत। और यहाँ पे यही रीजन है कि सारे जो कंट्री हैं वो भारत की ओर देख रहे हैं, भारत की ओर नज़र गड़ाए हुए हैं और ठीक है, अर्थव्यवस्था बनने की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भारत। हाल ही में कहाँ तानसेन महोत्सव आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अफ्रीकन फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो मोहम्मद सलाह को। हाल ही में IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की? तो भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की किसने? IRCTC ने। आपको पता है यहाँ पे समथिंग 99 पैसे में इंश्योरेंस करती है, आप टिकट जब भी बुक करते हो, तो ये भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन्होंने साझेदारी की। हाल ही में VR डिस्प्लेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मलाला यूसुफ जई। नोबेल प्राइज इनको मिला था, ठीक है, पाकिस्तान की हैं ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में सबसे लंबा सिंगल लन स्टील केबल ब्रिज कहाँ खोला गया? अरुणाचल प्रदेश। हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत सरकार ने वाराणसी और किस शहर के बीच एयर बोट्स शुरू करने की घोषणा की? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में और वाराणसी के बीच एयर बोट शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल ही में किसे हॉकी टीम के कोच के पद से हटाया गया? तो हरेंद्र सिंह को हॉकी के कोच के पद से हटाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। हाल ही में रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 6 राज्यों ने। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने कब तक भारत के पहले मानवयुक्त मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? 2021 तक। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को मानद पदवी से सम्मानित किया? नेपाल। नेक्स्ट बात करें, 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के लिए 10,000 रन वनडे बनाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय फिश फेस्ट 2019 का शुभारंभ किया गया? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने SCG यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की सदस्यता प्राप्त कर ली? विराट कोहली ने। हाल ही में आमे घर LED योजना किस राज्य ने शुरू की? तो आमे घर LED मतलब उड़ीसा राज्य ने शुरू की, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो ध्यान रखिएगा, तो ये 50 क्वेश्चन है, हमने 50 क्वेश्चन किए, तो एक काम कर लेते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं, या तो रहने देते हैं 50, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा रहेगा, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं और इनको आप अच्छे से पढ़ लिए। अभी जनवरी के करंट अफेयर्स को जो हम जनवरी में देखें टोटल, तो जनवरी में यहाँ पे अगर जो टोटल कितने करंट अफेयर्स हैं,
ठीक है, जनवरी में देखें यहाँ पे जो अगला वीडियो होगा उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे, 119 टोटल करंट अफेयर्स है जनवरी वाले मंथ में। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कल हम जनवरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आके फरवरी का करेंगे। तो आप पीडीएफ ले सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेस्ट भी ऑनलाइन देना चाहते हो वो भी ले लो, वो भी आप सबसे सस्ता आपको मिल रहा है, इसलिए मैंने बोल रहा कम से अभी ज्वाइन कर लो, बाद में देख लेना होगा दूसरा कोई दूसरा ले लेना। चलो, अगर जो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।